आप लोग आप ही शुरू करते हैं। सबसे पहले से लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप बताइए कि आप लोग क्या राय रखते हैं, यूपी में ही चुनाव है, आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? पांच स्टेट में चुनाव। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम तो यूपी से ही रहने वाले हैं। हाँ, तो आप यहाँ का बताइए। तो यहाँ पे कहाँ से? जिला से सिद्धार्थनगर जिला पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो किसके लिए आप मन में रखते हैं, कौन आए? नहीं, हमारे लिए जो जीते वो हमारा है। ये क्या बात है, मतलब नहीं, सच में बता, हम लोग व्यापारी हैं। हाँ, और हम लोग व्यापारी हर पार्टी से दुखी हैं। अच्छा। और चोर चोर मौसेरे भाई हैं सब। हाँ। ठीक है, तो हम लोगों के लिए एक ही से है फंडा कि जो आए, कोई ईमानदार पार्टी आए, जो भी अच्छा काम करे। चुनाव होता है तो लोगों की मांगे होती हैं, तो व्यापारियों की भी कुछ मांगे होंगी। मांग बहुत, वो टैक्स इतना लगा दिए हैं कि हम लोग देते देते उसी में परेशान हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या जीएसटी है उस पर, टैक्स पे कई है, इनकम टैक्स का भी जो स्लैब है वो भी चेंज होना चाहिए। हाँ, हर जगह टैक्स है, महंगाई चरम सीमा पे है। आप लोग बताइए कहाँ से हैं? हम लखनऊ से ही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सोच है, कौन चाहिए आपको, मतलब बदलना है सरकार या यही रखनी है? हमारे लिए ना पुरानी सरकार ने कुछ किया, नई सरकार कुछ कर रही है, हमारा सरकारों से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके लिए, मतलब यूथ के लिए, जनता के लिए, यूथ के लिए क्या सोचा जा रहा है? कुछ सोचा जा रहा है ना, जॉब बची ना कुछ किसी के लिए, जो नौकरी है जल्दी बंद कर दे रहे हैं, जिम है बंद कर दे रहे हैं, पहले जिम से जैसे फैल रहा है। आप बताइए रोजगार क्या है? रोजगार तो जो आम आदमी, जो रोजगार है, जो बिजनेसमैन है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, वो रोजगार कहाँ से करे, कहाँ से रेंट भरे, बताइए। आप बताइए, सैलून बंद कर दे रहे हो, जिम बंद कर दे रहे हो, जो हम लोग बिजनेस करते हैं वो सब तो बंद कर दे रहे हो, हम कमाएं कहाँ से भरे, रेंट कहाँ से दें? चार सैलून में दो सैलून बचे, दो बंद करने पड़े इंसान को, जिम बंद कर क्या कहाँ से करें, बताओ। हाँ, जिम वाले हैं हम लोग भैया, यहाँ बैठे देखो, आग ताप रहे फर्जी। अभी जिम खुला होता तो जिम में काम करते हैं, वहाँ दो रुपया कमाते, जिम बंद करके यहाँ पे दो रुपये का चाय पी लिया, चाय वालों की सरकार में चाय पी रहे हैं। लखनऊ से हैं लोकल भैया। कोई मांगे नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। जय जवान जय किसान। तो मोदी जी से आपको आगे क्या, आप तो योगी जी आएंगे, मोदी जी तो आएंगे नहीं, तो आपको योगी जी चाहिए कि दूसरा सीएम कोई चाहिए? देखिए, योगी जी बेहद ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान हैं और मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं इस बार फिर से भाजपा की सरकार आए ना आए, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ही बने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा पर्सनल राय है भाई, वो किसी में भी ज्वाइन करें, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ भाजपा से बने ना बने। आपको व्यक्तित्व तो पसंद है? हाँ, अगले का काम करने का तरीका, तरीका पसंद है बस, यही चाहिए। बिल्कुल, कुछ खास मांगे भविष्य के लिए? कोई भविष्य नहीं, हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। करते कैसे हो ये सब? ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे लिए कर पाएंगे। गजब तो भी आ जाती, कर्म हमें खुद करना है, वो थोड़े खाना खिला देंगे आके, खाना हमें अपने हाथ से है। अच्छा। कम कर दे, बस करना है तो गरीबों का उद्धार कर दें, बच्चों का टैक्स माफ कर दें। जीएसटी में फंसे बैठे हो, कह रहे हो बदलाव? अरे वो तो कर्म है, जीएसटी में फंसे पड़े हैं। यूपी जीएसटी अलग, हाँ जीएसटी एक है कि जीएसटी में थोड़ी सी कमी दें, व्यापारियों को थोड़ी सी राहत दें, हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, महंगाई कम करें, बस।